द ऑलराउंडर मेगा मॉन्स्टर आ चुका है। ये है वो स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M31। ये जो स्मार्टफोन है इसमें 6000 mAh की बैटरी है। देखिए, अब तक कोई भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर ने ऐसा हैंडसेट लॉन्च नहीं किया है जिसमें 6000 mAh की बैटरी है, और वो भी इसी प्राइस सेगमेंट में। वैसे मैंने आपको M31 का प्राइस नहीं बताया। M31 का प्राइस शुरू होता है 14,999 rupees से, 6GB 64GB वाला जो वेरियंट है उसकी। बहुत ही बढ़िया हैंडसेट है और बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशंस के साथ में आता है। अनबॉक्सिंग के दौरान ही मैं आपको इस हैंडसेट के जो खास फीचर्स है उसके बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोगी और ये है सैमसंग गैलेक्सी M31 का बॉक्स पैकिंग। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। वैसे स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर बॉक्स के ऊपर नहीं दिया हुआ है। जो कलर वेरिएंट मुझे मिला हुआ है वो है स्पेस ब्लैक कलर वेरिएंट, और ये देखिए इस प्रकार का दिखता है। वैसे ये ब्लू कलर वेरिएंट में भी अवेलेबल है। यहाँ पर है सिम ट्रे इजेक्ट पिन, और इस बॉक्स के अंदर आपको क्विक स्टार्ट गाइड, रीजनल लॉक गाइड और वारंटी कार्ड मिलने वाला है। ये है USB टू USB टाइप सी डेटा केबल, और ये है 15W फास्ट चार्जर जो बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। इसकी बिल्ड और फिनिशिंग प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। प्लास्टिक की बॉडी है, 8.9 mm थिकनेस है। ये ट्रिपल स्लॉट्स के साथ में आता है, एक डेडिकेटेड microSD कार्ड स्लॉट दिया हुआ है। इस हैंडसेट की सबसे यूनिक चीज़ है बैटरी, 6000 mAh की बैटरी जो आपको तकरीबन 3 दिन का बैटरी लाइफ दे सकती है, आपके यूसेज पैटर्न पर डिपेंड करता है। और अच्छी बात यह है कि बॉक्स में 15W का फास्ट चार्जर भी दिया हुआ है, मतलब कि जो बैटरी है वो बहुत ही फास्ट चार्ज भी हो जाएगा। दूसरी खासियत है क्वाड कैमराज, इसमें 64MP का मेन कैमरा है, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 2MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा है और 2MP का मैक्रो कैमरा है। तो इस प्राइस सेगमेंट में आपको वो सारे लेंसेज मिल जाते हैं जिससे आप वाइड एंगल शॉट्स शूट कर पाएंगे, हाई क्वालिटी शॉट्स मतलब कि 64MP में शूट कर पाएंगे और मैक्रो शॉट्स भी शूट कर पाएंगे। फ्रंट कैमरा 32MP का है। मैं आपको कुछ सैम्पल दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि ये जो स्मार्टफोन है इसकी कैमरे क्वालिटी कैसी है। ये हैंडसेट 4K वीडियो शूट कर सकता है, और वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान ये देखिए यहाँ पर आपको ये सुपर स्टडी मोड मिलता है जिससे आपको बहुत ही स्टेबल वीडियो शॉट्स मिलने वाला है। लेकिन जब आप इस मोड का उपयोग करते हैं तो जो रिकॉर्डिंग है वो 1080p मैक्सिमम में होने वाला है। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो पीछे साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है और इस पर फेस अनलॉक का भी ऑप्शन दिया हुआ है। जब आप फेस अनलॉक का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो इन्फिनिटी यू डिस्प्ले है वहाँ पर आपको एक छोटा सा एनिमेशन देखने को मिलता है। ये देखिए फेस अनलॉक बहुत ही फास्ट है। ये 6.4 inches का सुपर एमोलेड इन्फिनिटी यू डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। स्क्रीन की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। हार्डवेयर की अगर बात करें तो इसमें एक्जिनोस 9611 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। ये 2.3 GHz पर क्लॉक किया हुआ है, और ये देखिए ये है पबजी गेम जिसे मैंने शुरू कर दिया है, और इसे देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये जो गेम है काफ़ी स्मूथली चल रहा है इस हार्डवेयर पर। और क्योंकि इसमें 6000 mAh की बैटरी है, आप ये जो गेम है या इसी प्रकार का कोई भी अन्य गेम को आप काफ़ी देर तक खेल पाएंगे। ये हैंडसेट अलग अलग रैम रोम ऑप्शंस में अवेलेबल है, 6GB 64GB 6GB 128GB, और इसमें जो रैम का उपयोग किया गया है ये LPDDR4X रैम है जो कि परफॉर्मेंस को एनहांस करने वाला है। दोस्तों ये जो स्क्रीन है ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ में आता है। इसमें सैमसंग वन UI 2.0 रन हो रहा है जो एंड्रॉयड 10 बेस्ड है। इंटरफेस बहुत ही सिंपल किस्म का है और UI को बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया हुआ है। अच्छी बात यह है कि आप एक हाथ से इस हैंडसेट को आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे। इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन दिया हुआ है, ब्लू लाइट फिल्टर है, अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड भी अवेलेबल है, डॉल्बी एटमॉस भी सपोर्ट करता है, और ये देखिए डार्क मोड का ऑप्शन भी दिया हुआ है। ये जो डार्क मोड है इससे ये देखिए इस प्रकार का स्क्रीन हो जाता है, खास करके जब आप इस हैंडसेट को अंधेरे में उपयोग करना चाहते हैं तो ये इस प्रकार का जो स्क्रीन है ये काफ़ी काम में आ सकता है। ये देखिए सेटिंग का जो स्क्रीन है टोटली ब्लैक बैकग्राउंड में है। अगर मैं डार्क मोड को ऑफ करूं तो ये देखिए आपको आइडिया मिल गया होगा। इस हैंडसेट में वाइडविन L1 सपोर्ट दिया हुआ है, खास करके अगर आप नेटफ्लिक्स या फिर अमेज़ॉन प्राइम के वीडियोज़ देखते हैं तो जो वीडियोज़ हैं आप हाई क्वालिटी में देख पाएंगे, और क्योंकि इसमें 6000 mAh की बैटरी है आप जो वीडियोस है उसे काफ़ी देर तक देख पाएंगे। तो दोस्तों ये है सैमसंग गैलेक्सी M31। इनफैक्ट M30 के बाद सैमसंग ने ये हैंडसेट लॉन्च किया है जिसमें थोड़ा सा अपग्रेड दिया हुआ है, और वही 6000 mAh की बैटरी के साथ में आता है जिसने M30 को सुपर हिट स्मार्टफोन बनाया था। और दोस्तों इस प्राइस रेंज में अब तक कोई भी अन्य मैन्युफैक्चरर आपको
6000 mAh की बैटरी नहीं दे रहा है। तो ये हैंडसेट खास उन लोगों के लिए है जो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि उनका जो स्मार्टफोन का बैटरी है वो बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाता है। ये M31 स्मार्टफोन आपको कैसा लगा, खास करके इसके जो फीचर्स हैं वो कैसे लगे, और इसका जो प्राइसिंग है 14,999 रुपीज़, ये कैसा लगा, कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों, जहाँ से आप इस प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए।